हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को अनवरत जारी रखते हुए ऑफिस प्रोसीजर प्रवेश पार्ट 9 आज हम करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि LDC, UDC, OS, ASO, SO, फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, AC, DC, इन KVS, NVS, DSSSB, UPSC, SSC एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों तरफ से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। तो ऑफिस प्रोसीजर है आपके सिलेबस में रखा है। साथियों, देखते हैं ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 9 का पहला क्वेश्चन। 161, वेयर विल द टॉप प्रायोरिटी लेवल बी अप्लाइड? कौन से मामलों में शीर्ष प्राथमिकता वाले लेवल को लागू किया जाएगा, मतलब कि कोई भी फाइल है उस पर शीर्ष प्राथमिकता या टॉप प्रायोरिटी है कौन से मामले में लेबल की जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं, इमीडिएट केसेज, प्रायोरिटी केसेज, एक्सट्रीमली अर्जेंट केसेज, अर्जेंट केसेज। तो किस प्रकार के केस होंगे जहां पर फाइल पर टॉप प्रायोरिटी या शीर्ष प्राथमिकता लेबल लगाया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, एक्सट्रीमली अर्जेंट केसेज में टॉप प्रायोरिटी लेबल लगा करके उसको फाइल को आई मार्क किया जाता है। करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 162, ईच सेक्शन शैल कीप इन द नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द डिपार्टमेंट द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फॉर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स डील्ड विद बाय इट। किसी भी डिपार्टमेंट के नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में रिकॉर्ड्स को या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डील किया जाता है, कुछ पॉइंट बताए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रेसिडेंट बुक, स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस एंड मिनट्स। सेकेंड, कॉपीज ऑफ एक्ट्स, रूल्स, ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस कंसर्निंग द सब्जेक्ट्स डील्ड विद ईच डिपार्टमेंट शैल बी मेंटेन्ड बोथ इन फिजिकल फॉर्म एज वेल एज ऑन द वेबसाइट। थर्ड है गार्ड फाइल, प्रत्येक विभाग के ज्ञान प्रबंधन प्रणाली में रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों के लिए होते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में रिकॉर्ड को या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए रखे जाते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। सही उत्तर हमारे यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ईच सेक्शन शैल कीप इन द नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द डिपार्टमेंट द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फॉर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स डील विद बाई इट। पहला है प्रेसिडेंट बुक, स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट एंड ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस एंड मिनट्स, कॉपीज ऑफ एक्ट्स, रूल्स, ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस कंसर्निंग द सब्जेक्ट्स डील्ड विद ईच डिपार्टमेंट शैल बी मेंटेन्ड बोथ इन फिजिकल फॉर्म एज वेल एज ऑन द वेबसाइट। मतलब कि एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई भी सब्जेक्ट के मामले में उनको मेंटेन किया जाता है किस फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, साथ में वेबसाइट पर भी रखा जाता है और इसके अलावा गार्ड फाइल में भी रखा जाता है। तो ये सभी चीजें हैं नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में किसी भी डिपार्टमेंट के नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा मेंटेन की जाती है। तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। करेक्ट आंसर विल बी बी। क्वेश्चन देख लेते 163, व्हाट विल बी कैप्ट इन फिजिकल फॉर्म एज वेल एज ऑन द वेबसाइट। भौतिक रूप के साथ साथ वेबसाइट पर क्या रखा जाएगा? ई सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, कंटेंट्स ऑफ डिजिटल नॉलेज सिस्टम, कॉपीज ऑफ एक्ट्स, रूल्स, ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस कंसर्निंग द सब्जेक्ट्स डील्ड विद ईच डिपार्टमेंट, पर्सनल कंटेंट्स। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों रूप में क्या रखे जाते हैं, फिजिकल फॉर्म में, साथ में वेबसाइट पर क्या चीजें रखी जाती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, कॉपीज ऑफ एक्ट्स, रूल्स, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस कंसर्निंग द सब्जेक्ट डील्ड विद ईच डिपार्टमेंट इन बोथ फॉर्म्स, फिजिकल फॉर्म एज वेल एज द वेबसाइट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। और अगला सवाल देख लेते हैं 164, व्हाट कुड बी द एडवाइस ग्रेडिंग ऑफ ए फाइल फॉर अर्जेंसी ग्रेडिंग। अत्यावश्यक ग्रेडिंग के लिए किसी फाइल को क्या ग्रेडिंग देने की सलाह दी जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं, इमीडिएट, प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, ऑल द अबव। क्या सही हो जाएगा? मतलब कि कोई फाइल है अर्जेंसी ग्रेडिंग देनी है तो किस प्रकार की अर्जेंसी ग्रेडिंग है दी जा सकती है? सही उत्तर यहां पर हो जाएगा डी, ऑल द अबव। सभी तरीके की अर्जेंसी ग्रेडिंग है वो दी जा सकती है, मार्क किया जा सकता है, इमीडिएट मार्क किया जा सकता है, प्रायोरिटी मार्क किया जा सकता है, टॉप प्रायोरिटी मार्क किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अर्जेंसी है,
तो ये तीनों ही मामले हैं वो किए जा सकते हैं, फाइल को ग्रेडिंग दी जा सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 165। व्हाट शुड एन ऑफिसर डू इफ ही इज एक्टिंग अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए सुपीरियर ऑफिसर एंड रिसीव्स वर्बल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सुपीरियर ऑफिसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं में निश्चित रूप से मिलेंगे। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। एक अधिकारी को क्या करना चाहिए यदि वह एक वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशों के तहत काम कर रहा है और वरिष्ठ अधिकारी से मौखिक निर्देश प्राप्त करता है। मतलब कि उस अधिकारी को क्या करना चाहिए जहां पर कि वो वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशों के तहत कार्य कर रहा है और वो वरिष्ठ अधिकारी मौखिक निर्देश देता है, तो जो कार्य करने वाला अधिकारी है उसको क्या करना होगा। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे ही शैल ऑब्टेन द डायरेक्शन इन राइटिंग वेयर एवर प्रैक्टिकल बिफोर कैरिंग आउट द इंस्ट्रक्शन। बी पॉइंट है वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सो ही शैल ऑब्टेन रिटर्न कंफर्मेशन ऑफ द डायरेक्शंस एज सून देयर आफ्टर एज पॉसिबल। सी ऑप्शन है इफ द ऑफिसर गिविंग द इंस्ट्रक्शंस इज नॉट द इमीडिएट ऑफिशियल सुपीरियर द ऑफिसर शैल ब्रिंग सच इंस्ट्रक्शंस टू द नोटिस ऑफ द इमीडिएट सुपीरियर एट द अर्लीएस्ट। और डी ऑप्शन है इन ऑल कंडीशंस ही विल ऑब्टेन द रिटर्न कंफर्मेशन ऑफ द डायरेक्शंस फ्रॉम द सीनियर ऑफिसर हु गेव द इंस्ट्रक्शंस। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा? अगर मौखिक निर्देश प्राप्त करता है सुपीरियर अधिकारी से, वरिष्ठ अधिकारी से, तो जूनियर अधिकारी को क्या करना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, इन ऑल कंडीशंस ही शैल ऑब्टेन द रिटन कंफर्मेशन ऑफ द डायरेक्शंस फ्रॉम द सीनियर ऑफिसर हु गेव द इंस्ट्रक्शन। मतलब कि उसको रिटन कंफर्मेशन है वो प्राप्त कर लेना होगा। सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं, ही शैल ऑब्टेन द डायरेक्शन इन राइटिंग वेयर एवर प्रैक्टिकल बिफोर कैरिंग आउट द इंस्ट्रक्शन। मतलब कि उसको वो डायरेक्शन है, निर्देश है, वो लिखित रूप से प्राप्त कर लेने होंगे। कार्य करने से पहले लिखित ऑर्डर है वो प्राप्त कर लेने होंगे। बी पॉइंट में ये बताया गया वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सो, ऐसा करना उसके लिए संभव नहीं है, तुरंत संभव नहीं है। ही शैल ऑब्टेन रिटर्न कंफर्मेशन ऑफ द डायरेक्शन एज सून देयर आफ्टर एज पॉसिबल। जब भी पॉसिबल हो उसको रिटर्न कंफर्मेशन इस प्रकार के आदेशों के प्राप्त कर लेने होंगे। सी में क्या बताया गया, इफ द ऑफिसर गिविंग द इंस्ट्रक्शंस इज नॉट द इमीडिएट ऑफिशियल सुपीरियर द ऑफिसर शैल ब्रिंग सच इंस्ट्रक्शंस टू द नोटिस ऑफ द इमीडिएट सुपीरियर एट द अर्लीएस्ट। ये बताया गया कि कोई निर्देश देने वाला अधिकारी है वो इमीडिएट सुपीरियर नहीं है, तो कार्य करने वाला अधिकारी अपने इमीडिएट सुपीरियर को ये बात नोटिस में लाएगा कि ऐसा मौखिक निर्देश है वो मुझे प्राप्त हुआ है, क्या करना चाहिए, तो ये लिखित ऑर्डर है वो प्राप्त करने होंगे। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इन ऑल कंडीशंस ही शैल ऑब्टेन द रिटन कंफर्मेशन ऑफ द डायरेक्शंस फ्रॉम द सीनियर ऑफिसर हु गेव द इंस्ट्रक्शन। अगला सवाल देख लेते हैं 166। व्हाट इज द नेम ऑफ द लेबल यूज्ड फॉर अर्जेंट मैटर्स, अत्यावश्यक मामलों के लिए उपयोग किए जाने वाले लेबल का नाम क्या है? इमीडिएट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, अर्जेंट। अगर किसी फाइल को आप अत्यावश्यक मानते हैं तो कौन सा लेबल देना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रायोरिटी में रखा जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द लेबल यूज्ड फॉर अर्जेंट मैटर्स, तो अर्जेंट मैटर्स के लिए प्रायोरिटी फाइल पर लेबल किया जाएगा। उस फाइल पर क्या लेबल किया जाएगा? प्रायोरिटी रखा जाएगा, प्राथमिकता वाली फाइल लेबल लगाया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते हैं 167। Whenever a member of the personal staff of a minister informs an officer of the minister's oral order, what should the personal staff who gave the order do? जब किसी मंत्री के निजी स्टाफ का कोई सदस्य किसी अधिकारी को मंत्री के मौखिक आदेश की सूचना देता है तो आदेश देने वाले निजी स्टाफ को क्या करना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए कि मंत्री का कोई लिखित ऑर्डर है वो सूचित कर रहा है, निजी स्टाफ है वो किसी अधिकारी को आदेश दे रहा है, तो निजी स्टाफ को क्या करना होगा जो कि आदेश पास कर रहा है, मंत्री के मौखिक आदेश को पास कर रहा है किसी अधिकारी को कार्य करने के लिए, तो क्या करना होगा निजी स्टाफ के अधिकारी को क्या करना होगा? ऑप्शन देख लेते हैं, इट शैल बी कंफर्म्ड बाय हर हिम इन राइटिंग इमीडिएटली देयर आफ्टर इफ द ऑर्डर्स आर इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स दे शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द सेक्रेटरी और HOD। सी If the orders are not in accordance with the norms, rules, regulations or procedures, clear orders from the secretary or HOD, और D option हो जाएगा all the above। सही उत्तर हमारा हो जाएगा D, all the above। सभी point हैं वो ठीक हो जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं A में,
इट शैल बी कन्फर्म्ड बाई हर हिम इन राइटिंग इमीडिएटली देयर आफ्टर। मतलब कि निजी स्टाफ के द्वारा मंत्री के मौखिक आदेश है, वो किसी अधिकारी को बताए गए कि ऐसा करने के लिए मंत्री साहब बोल रहे हैं, तो उसको क्या करना होगा, जो भी आदेश दे रहा है उसके रिटर्न आदेश है ले लेने होंगे। देयर आफ्टर मतलब कि तुरंत ही उसके आदेश है वो प्राप्त कर लेने होंगे लिखित रूप में। बी में बताया गया है, इफ द ऑर्डर्स आर इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशंस एंड और प्रोसीजर्स दे शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द सेक्रेटरी और HOD। मतलब कि अगर ये जो आदेश है वो नॉर्म्स के अनुसार, रूल्स के अनुसार, रेगुलेशंस और प्रोसीजर के अनुसार है, तो सचिव को या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ये रूल्स के बारे में सूचित करना होगा, आदेश के बारे में सूचित करना होगा। और सी पॉइंट में बहुत ही अच्छी बात बताई गई है, इफ द ऑर्डर्स आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स क्लियर ऑर्डर्स फ्रॉम द सेक्रेटरी और HOD। मतलब कि मौखिक आदेश मिले हैं और ये आदेश है नॉर्म्स के अनुसार, रूल्स के अनुसार, रेगुलेशन के अनुसार या प्रोसीजर के अनुसार नहीं है, तो इसकी क्लैरिटी है वो कौन देंगे, सेक्रेटरी देंगे उस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के, या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो क्लियर आदेश देगा लिखित रूप में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, बोल दिए वो। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। देखते हैं अगला सवाल 168। विच ग्रेडिंग लेवल विल बी यूज इन केसेज रिक्वायरिंग अर्जेंट अटेंशन ओनली। केवल तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता वाले मामलों में किस ग्रेडिंग स्तर का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, इमीडिएट, प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, अर्जेंट। यहाँ पर आप फाइल को किस प्रकार की ग्रेडिंग देंगे, अगर अर्जेंट अटेंशन चाहते हैं, सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, इमीडिएट उसको बोलेंगे, इमीडिएट ग्रेडिंग उसको दी जाएगी, लेबलिंग की जाएगी, इमीडिएट मामला बताया जाएगा कि ये फाइल है वो इमीडिएटली देखी जाए, मैटर इमीडिएटली देखा जाए तो उसको फाइल को ग्रेडिंग दी जाएगी, इमीडिएट सही उत्तर हो जाएगा ए, इमीडिएट। मूव टू क्वेश्चन नंबर 169। इन रेयर एंड अर्जेंट केसेस व्हेन द मिनिस्टर इज ऑन टूर अनवेल एंड इमीडिएट अप्रूवल इज टू बी सॉट ओवर टेलीफोन बाय हुम द डिसीजन ऑफ द मिनिस्टर विल बी कन्वेड। दुर्लभ और अत्यावश्यक मामलों में जब मंत्री दौरे पर हो, अस्वस्थ हो और टेलीफोन पर तत्काल स्वीकृति मांगी जानी हो, तो मंत्री के निर्णय से किसके द्वारा अवगत कराया जाएगा। ऑप्शन देख लेते, प्राइवेट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। मंत्री के आदेशों को किसके द्वारा अवगत कराया जाएगा कि ये कार्य होना है या नहीं होना है, ये कौन सूचित करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, प्राइवेट सेक्रेटरी है ये बात बताएगा। कोई भी स्वीकृति मांगी जानी है जबकि दौरे पर हो मंत्री या अस्वस्थ हो, तो टेलीफोन के द्वारा स्वीकृति मांगी जानी हो तो सेक्रेटरी है वो सूचना को जारी करेगा, मांगेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। अगला सवाल देख लेते 170। What is generally used for corresponding with other departments or in calling for information from or conveying information to its employees? हिंदी अर्थ देख लेते हैं, आमतौर पर अन्य विभागों के साथ पत्राचार करने के लिए या अपने कर्मचारियों से जानकारी मांगने या जानकारी देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन है निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। आमतौर पर अन्य विभागों के साथ पत्राचार करने के लिए या अपने कर्मचारियों से जानकारी मांगने के लिए किस प्रकार का लेटर या आदेश जारी किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम, डेमी ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर, नॉन ऑफिशियल लेटर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, ऑफिशियल मेमोरेंडम है वो जारी किया जाएगा कोई भी दूसरे डिपार्टमेंट से जानकारी मांगने के लिए या पत्राचार करने के लिए, साथ में अपने कर्मचारियों से जानकारी मांगने या जानकारी देने के लिए क्या जारी किया जाता है। ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑफिस मेमोरेंडम। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेंगे। देख लेते हैं अगला सवाल 171। व्हाट एक्शन विल बी टेकन बाय द सुपीरियर ऑफिसर्स और देयर पर्सनल स्टाफ और द पर्सनल स्टाफ ऑफ द मिनिस्टर As the case may be, on receipt of letters from junior officers seeking confirmation of oral instructions, मौखिक निर्देशों की पुष्टि के लिए कनिष्ठ अधिकारियों से पत्र प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारियों या उनके निजी कर्मचारियों या मंत्री के निजी कर्मचारियों, जैसा भी मामलों द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी। ऑप्शन देख लेते हैं, डिनाइड, एक्सेप्टेड, रिफ्यूज्ड, पोस्टपोन। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, एक्सेप्टेड। यहाँ पर बताया गया है मौखिक निर्देशों की पुष्टि के लिए कनिष्ठ अधिकारियों से पत्र प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारियों या उनके निजी कर्मचारियों या मंत्री के निजी कर्मचारियों, जैसा भी मामला हो, द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ
कनिष्ठ अधिकारी है उसको कोई निर्देश प्राप्त हुए हैं, मौखिक निर्देश हैं वो प्राप्त हुए हैं, और मौखिक निर्देश प्राप्त होने के बाद में कनिष्ठ अधिकारी ने पत्र द्वारा कंफर्मेशन मांगा है कि आप लिखित में आप दीजिए आदेश है, वो लिखित रूप में आदेश जारी करिए। तो लिखित आदेश जारी करने के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा जाता है, तो वरिष्ठ अधिकारी क्या करेंगे? वरिष्ठ अधिकारी क्या लिखित ऑर्डर देने को मना करेंगे या क्या करेंगे? सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एक्सेप्टेड। उच्च अधिकारी मौखिक आदेश के कंफर्मेशन के लिए कनिष्ठ अधिकारी द्वारा लिखित जो आदेश मांगे गए हैं उनके लिए वो तुरंत ही एक्सेप्टेंस दे देंगे, वो लिखित रूप में आदेश को जारी कर देंगे। तो सही उत्तर यहाँ पर हो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एक्सेप्टेड किया जाएगा कि मान लिया जाएगा कि हाँ आपको निर्देश है वो जारी किए जा रहे हैं लिखित रूप में। अगला सवाल देख लेते हैं। 172, व्हाट विल टेक प्लेस इमिडिएटली बिलो द नोट दैट हैज कल्मिनेटेड इन इश्यूएंस ऑफ फेयर साइंड कम्युनिकेशंस इन क्वेश्चन। उस नोट के ठीक नीचे क्या होगा जिसकी परिणति प्रश्नगत निष्पक्ष हस्ताक्षर संचार जारी करने में हुई है? ऑप्शन देख लेते हैं, नंबरिंग, फाइलिंग, डॉकेटिंग, रेफरेंसिंग। तो क्या किया जाएगा? नोट के नीचे अगर कल्मिनेटेड इश्यूएंस फेयर साइंड कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ है, किसी भी प्रकार के सवाल के नीचे कल्मिनेटेड इश्यूएंस फेयर साइंड प्राप्त हो गए हैं, तो उस नोट के नीचे क्या किया जाएगा, उसको क्या करना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, डॉकेटिंग उसकी करनी होगी। व्हाट विल टेक प्लेस इमिडिएटली बिलो द नोट दैट हैज कल्मिनेटेड इन इश्यूएंस ऑफ फेयर साइंड कम्युनिकेशंस इन क्वेश्चन, दैट इज डॉकेटिंग। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, डॉकेटिंग उसकी करनी होगी। अगला सवाल देख लेते हैं। 173, व्हाट इज जनरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन ए फाइल इज रेफरेंस्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट। जब इलेक्ट्रॉनिक वातावरण में किसी फाइल को संदर्भित किया जाता है तो स्वचालित रूप से क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ पेज एंड सीरियल नंबर ऑफ रिसिप्ट, इश्यू, लेटर नंबर, फाइल नंबर, ऑर्डर नंबर। कोई भी फाइल को आप इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट में जनरेट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या पैदा हो जाएगा, क्या बन जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, नंबर ऑफ पेज एंड सीरियल नंबर ऑफ रिसिप्ट एंड इश्यू, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे। नंबर ऑफ पेज जनरेट हो जाएंगे, साथ में सीरियल नंबर ऑफ रिसिप्ट भी जनरेट हो जाएगी, इश्यूएंस नंबर है वो भी जनरेट हो जाएगा। अगर आप फाइल को इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट में जनरेट कर रहे हैं तो पेज नंबर जनरेट हो जाएंगे, सीरियल नंबर ऑफ रिसिप्ट हो जाएगा, इशू नंबर भी जनरेट हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी ए, नंबर ऑफ पेज एंड सीरियल नंबर ऑफ रिसिप्ट एंड इशू। मूव टू क्वेश्चन नंबर 174, इन वाट ऑर्डर विल द नोट्स करेस्पोंडेंस एडेंडम टू नोट्स एंड एडेंडम टू करेस्पोंडेंस बी प्लेस्ड ऑन द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फाइल। किस क्रम में नोट्स, पत्राचार, नोट्स के परिशिष्ट और पत्राचार के परिशिष्ट को फाइल के उपयुक्त भाग पर रखा जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, नीदर ए नोर बी, बोथ ए एंड बी। आप इनको किस ऑर्डर में रखेंगे, नोट्स को, करेस्पोंडेंस को, अनेंडम टू नोट्स, साथ में अनेंडम कोई है तो आप किस क्रम में इनको रखेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखेंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट रखेंगे, इस प्रकार के क्रम में इनको रखेंगे जिससे कि इनका एक क्रम पैदा हो जाए, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जनरेट हो जाए। नोट्स को, करेस्पोंडेंस को, अनेंडम टू नोट्स है, साथ में कोई अनेंडम कोई है तो उनको इस तरीके से रखा जाता है, अप्रोप्रिएट फाइल में रखा जाएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा जाएगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट रखा जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 175, व्हाट विल बी कैप्ड इन सिंगल फाइल कवर। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और इस प्रकार के लड्डू क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं, सिंगल फाइल कवर में क्या रखा जाएगा? ऑप्शन है, नोट्स पोर्शन एंड करेस्पोंडेंस पोर्शन, नोट्स पोर्शन, अपेंडिक्स ऑफ ए फाइल, करेस्पोंडेंस पोर्शन। तो क्या रखा जाएगा सिंगल फाइल कवर में, किसको रखा जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, नोट्स पोर्शन एंड करेस्पोंडेंस पोर्शन है, इनको सिंगल फाइल कवर में रखा जाएगा, दोनों को एक साथ में रखा जाएगा, सिंगल फाइल कवर में रखा जाएगा नोट्स पोर्शन को, करेस्पोंडेंस पोर्शन को। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। क्वेश्चन देखते हैं 176, इन द नोट पोर्शन द लेफ्ट एंड ऑफ द टैग विल बी टैग्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फाइल कवर एंड द राइट एंड ऑफ द टैग विल रिमेन डैश। नोट वाले हिस्से में टैग का बाया सिरा फाइल कवर के बाईं ओर टैग किया जाएगा और टैग का दाहिना सिरा डैश ही रहेगा, क्या रहेगा? अनटैग्ड, टैग्ड, नंबरिंग, रेफरेंसिंग।
क्या आ जाएगा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में, क्या आ जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, अनटैग्ड उसको रखेंगे, अनटैग्ड यहाँ पर आ जाएगा, अनटैग्ड इसको आप रखेंगे, अनटैग्ड यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन को फिर से पढ़ के सुना रहा हूँ। इन द नोट पोर्शन द लेफ्ट एंड ऑफ द टैग विल बी टैग्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कवर फाइल एंड द राइट एंड ऑफ द टैग विल रिमेन अनटैग्ड। सही उत्तर हो जाएगा ए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का अगला सवाल है 177। व्हेन द नोट्स प्लस द करेस्पोंडेंस पोर्शन ऑफ द फाइल बिकम बल्की से एक्सीड्स 150 to 200 पेजेस व्हाट विल इट बी मार्क्ड एज। जब नोट्स और पत्राचार फाइल का हिस्सा भारी हो जाता है जैसे 150 से लेकर के 200 पृष्ठों से अधिक तो इसे किस रूप में चिन्हित किया जाएगा? वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकेंड, वॉल्यूम थर्ड, वॉल्यूम फोर्थ। तो जहां पर नोट्स और पत्राचार दोनों को मिलाकर के कोई फाइल भारी हो जाती है जैसे कि 150 से लेकर के 200 पृष्ठ की हो जाती है या उससे अधिक पृष्ठ की हो जाती है तो उसको क्या चिन्हित किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, वॉल्यूम फर्स्ट उसको चिन्हित किया जाएगा, वॉल्यूम फर्स्ट बोल करके और उसको चिन्हित कर दिया जाएगा क्योंकि ये फाइल क्या है, बल्कि फाइल बन गई है तो इसको वॉल्यूम फर्स्ट बोल दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। और साथियों रिसेंटली देखा गया है कि पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो यहाँ पर मैं पैराग्राफ के रूप में ये फाइलिंग सिस्टम है उसको बता रहा हूँ। द पेपर्स इन ए केस विल बी अरेंज्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप डाउनवर्ड्स। पेपर को कैसे अरेंज किया जाएगा, फाइलिंग बनाते समय, फाइलिंग करते समय पेपर को कैसे अरेंज किया जाता है, क्या ऑर्डर रखा जाता है, ये ऑर्डर देख लीजिए। सबसे पहले क्या आ जाएगा, रेफरेंस बुक्स आ जाएंगी, उसके बाद में नोट्स पोर्शन ऑफ द करेंट फाइल एंडिंग विद द नोट फॉर कंसिडरेशन। थर्ड ऑर्डर है रनिंग समरी ऑफ द फैक्ट्स। फोर्थ है ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल इफ एनी। फिफ्थ करेस्पोंडेंस पोर्शन ऑफ द करेंट फाइल एंडिंग विद द लेटेस्ट रिसिप्ट और इश्यू एज द केस मे बी। सिक्स अपेंडिक्स टू नोट्स एंड करेस्पोंडेंस। सेवेंथ ऑर्डर है स्टैंडिंग गार्ड फाइल, स्टैंडिंग नोट और रेफरेंस फोल्डर इफ एनी। एट्थ ऑर्डर है अदर पेपर्स इफ एनी, रेफर टू एग्जाम्पल एक्सट्रैक्ट्स ऑफ नोट्स और करेस्पोंडेंस फ्रॉम अदर फाइल्स, कॉपीज ऑफ ऑर्डर्स, रिजोल्यूशंस, गजेट्स अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द लेटेस्ट बीइंग प्लेस्ड ऑन द टॉप। और नाइन्थ ऑर्डर आ जाएगा रिकॉर्ड फाइल्स इफ एनी अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द लेटेस्ट बीइंग प्लेस्ड ऑन द टॉप। और लास्ट ऑर्डर है रूटीन नोट्स एंड पेपर्स अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड प्लेस्ड इन ए सेपरेट कवर। तो इस प्रकार से पेपर का ऑर्डर हो जाएगा, क्रोनोलॉजी हो जाएगी, किस ऑर्डर में पेपर को अरेंज किया जाएगा, पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, ये पैराग्राफ के रूप में बता दिया। इस पे क्वेश्चन है वो बनाना मुश्किल हो रहा था, तो आपको ऑर्डर देखना है, कभी क्वेश्चन में ऑर्डर पूछ लिया जाए तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हम देखेंगे 178। इन द केस ऑफ करेस्पोंडेंस पोर्शन राइट साइड ऑफ द टैग विल बी टैग्ड ऑन टू द राइट साइड ऑफ द सेम फाइल कवर एंड लेफ्ट साइड ऑफ द टैग विल डैश। पत्राचार भाग के मामले में टैग के दाहिने हिस्से को उसी फाइल कवर के दाईं ओर टैग किया जाएगा और टैग के बाईं ओर का सिरा डैश ही रहेगा। क्या रहेगा? नंबरिंग, टैग्ड, अनटैग्ड, रेफरेंसिंग। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, अनटैग्ड रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन है वो उल्टा हो गया है। अगर आपको करेस्पोंडेंस पोर्शन को टैगिंग करनी है तो राइट साइड टैग विल बी टैग्ड, मतलब राइट साइड है उसको टैग करना होगा, यहाँ पर आपको टैगिंग करनी होगी। और बाईं ओर का सिरा है वो क्या करना होगा, ये खुला रखना होगा, बाईं ओर का सिरा है वो खुला रखना होगा, अनटैग्ड रखना होगा। इससे पहले नोट पोर्शन में हमने देखा कि बाईं ओर का हिस्सा है वो टैग्ड करना था और राइट साइड का है वो खुला रखना था। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, अनटैग्ड रखेंगे अगर आप करेस्पोंडेंस पोर्शन को टैगिंग कर रहे हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल है 179। फाइलिंग ऑफ पेपर्स, फाइल इस प्रकार तैयार करते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है पेपर्स रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विल बी पंच्ड नीटली ऑन द लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर एंड टैग्ड ऑन टू द एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फाइल। नोट्स, करेस्पोंडेंस, अपेंडिक्स टू नोट्स एंड अपेंडिक्स टू करेस्पोंडेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सेकेंड, बोथ नोट्स पोर्शन एंड करेस्पोंडेंस पोर्शन विल बी प्लेस्ड इन ए सिंगल फाइल कवर। फाइलिंग के लिए कौन कौन से पॉइंट है ठीक हो जाएंगे? ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, नन ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब कि दोनों ही पॉइंट है फाइलिंग के लिए ठीक हो जाएंगे। पेपर्स रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विल बी पंच्ड नीटली ऑन द लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर एंड टैग्ड ऑन टू द
appropriate part of the file, example notes, correspondence, appendix to notes and appendix to correspondence in chronological order from right to left. इस प्रकार से उनको आप पंचिंग करेंगे और यहाँ पर टैगिंग करेंगे. साथ में सेकंड पॉइंट है, क्या बताया गया है, बोथ नोट्स पोर्शन एंड करेस्पोंडेंस पोर्शन विल बी प्लेस्ड इन ए सिंगल फाइल. ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नोट्स पोर्शन और करेस्पोंडेंस पोर्शन है वो अलग अलग फाइल में रखा जाएगा या एक में रखा जाएगा. तो यहाँ पर बताया गया है कि दोनों को एक ही फाइल में रखा जाएगा, एक ही कवर फाइल में रखा जाएगा, नोट्स पोर्शन को और करेस्पोंडेंस को. सही उत्तर हमारा हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड. और साथियों देख लेते हैं मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 9 का अंतिम क्वेश्चन 180. What type of letter is used to communicate with non-officials? गैर अधिकारियों के साथ संवाद करने के लिए किस प्रकार के पत्र का उपयोग किया जाता है, ये भी पूछे जाते हैं. ऑप्शन देख लेते हैं, लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर, नॉन ऑफिशियल लेटर. अगर आप कोई लेटर जारी कर रहे हैं जो कि नॉन ऑफिशियल है, मतलब कि आपके कार्यालय का अधिकारी नहीं है, तो किस प्रकार का लेटर जारी करेंगे कम्युनिकेशन के लिए. सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, डेमी ऑफिशियल लेटर है वो जारी करेंगे. आपके विभाग का कर्मचारी नहीं है, आपके विभाग का अधिकारी नहीं है, वो दूसरे विभाग का है, तो उसके लिए क्या करेंगे, डेमी ऑफिशियल लेटर जारी करेंगे. या कोई भी कर्मचारी है या कोई भी व्यक्ति है जिसको आप ऑर्डर पास कर रहे हैं, कोई लेटर भेज रहे हैं, तो यहाँ पर बताया गया कि नॉन ऑफिशियल है, आपके विभाग का कर्मचारी नहीं है, आपके कार्यालय का कर्मचारी या अधिकारी नहीं है, उसके लिए किस प्रकार का पत्र लिखते हैं. सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डेमी ऑफिशियल लेटर लिखेंगे, अर्ध सरकारी. इसको डेमी ऑफिशियल लेटर का मतलब है कि ये अर्ध सरकारी पत्र है. अर्ध सरकारी पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है इसको भी आगे के क्वेश्चंस में हम बताएंगे. तो इसको क्या बोलेंगे, डेमी ऑफिशियल लेटर बोलेंगे या अर्ध सरकारी पत्र बोलेंगे, यहाँ पर इसको बोलेंगे अर्ध सरकारी पत्र. इस प्रकार से हमने मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर पर बेस्ड क्वेश्चन सीरीज 9 के 20 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट कर लिए. और ये सभी क्वेश्चन से आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एफ ओ, एस ओ, ए एस ओ, ओ एस, यूडीसी, एलडीसी और डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस और लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस इन एनबीएस, केबीएस, साथ में बी ट्रिपल एस बी, यूपीएससी. अभी तक हम 9 सीरीज मतलब कि 180 क्वेश्चन कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, ये क्वेश्चन से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे. साथियों आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस. थैंक यू वेरी मच.